अब भारत में नहीं घुस पाएंगे म्यांमार के शरणार्थी। गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों को किया सतर्क। भारत नहीं देगा म्यांमार के आंतरिक मामलों में दखल। भारत नहीं है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी प्रोटोकॉल का हिस्सा। दरअसल पड़ोसी देश म्यांमार में सैन्य तख्त पलट के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों की आंच अब भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने लगी है। पिछले दिनों म्यांमार के कुछ पुलिस वाले सहित दर्जनों नागरिक भारत म्यांमार सीमा को लांघते हुए मिजोरम राज्य में घुस आए थे, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए म्यांमार की सीमा से सटे चार राज्यों मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को घुसपैठ की घटनाओं को लेकर सतर्क किया और कहा कि ऐसी सूरत में वे कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। गृह मंत्रालय ने एक पत्र में पूर्वोत्तर के चार राज्यों को म्यांमार सीमा पार से सरकारी अधिकारियों और आम नागरिकों के अवैध प्रवेश को लेकर आगाह किया और ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए सभी सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी कृष्ण मोहन अप्पू ने अपने खत में कहा कि म्यांमार के आंतरिक हालात के चलते भारत म्यांमार सीमा से भारतीय क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध एंट्री की आशंका है और अब यह शुरू हो चुका है। इस बात को लेकर पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि अवैध माइग्रेंट्स को कुछ जगहों पर रोक दिया जाए, उनकी बायोग्राफिक और बायोमेट्रिक जानकारी इकट्ठा की जाए और फर्जी दस्तावेजों को रद्द किया जाए। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश किसी विदेशी को शरणार्थी घोषित नहीं कर सकते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन 1951 और 1967 प्रोटोकॉल में शामिल नहीं है। मिजोरम सरकार ने हाल ही में कहा था कि म्यांमार से 18 लोग राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए, जिसमें से 11 ने दावा किया कि वे पुलिसकर्मी थे। बाद में म्यांमार ने अपने 8 पुलिसकर्मियों को उन्हें सौंपने को कहा था। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी कहा था कि म्यांमार के लोगों ने उनके राज्य में भी प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन सुरक्षा बलों की भारी तैनाती देखकर वे वापस लौट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।